قبل الامتحان جامد والله. المحبات مع الدرجة مش ربما اللي المحبات والوفاة من الدرجة. يمكن جدا في أنظار الجيش لو مفضلت للمعنقات الجوالك وبتنظر كده وغربين تتفكر برا فرص وانت المتلاتين بيهنين وبيهنين جنام الجوالك بيهنين أسباب بندرين ये मोहब्बत का जौहर यही इंसान को कामयाब भी करता है और पूरे वक्त कामयाब करता है और यही इंसान को हराम बर्बाद भी करता है। आमतौर से चार सबक होते हैं किसी भी शरीर को मतलब के दिल में उतर जाते हैं किसी के तरफ दिल के खींचने का बहुत अजीब उलमा ने उनके अस्पताल देखते हैं محبت کا ایک سبب انسانی فطرت کے لحاظ سے کسی کا حسن و جمال نہیں دیکھ سکتا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے غور و جمال دیا ہے اچھی نظر آنے والی دلی انسان کو اچھی لگتی ہے انسان کا یہ نگاہ ہی نہیں دل کے کھینچتا ہے إن الله جميل يحب الجمال. الإنسان في فطرته في كل قرآن يجي دوسي نصف الجمال وخصوصي قسم فتن يوري قرآن एक अच्छा फूल इंसान को कितना पसंद आ जाए फूलों का बागीचा चमन खूबसूरत परिंदे तो मोहब्बत का एक बड़ा सबब जाहिरी खुशमजमाल قیمت کا انکار ہمیں بھی کیا ہوتا اور اسی محبت اور کشش کی وجہ سے ظاہری حسن و جمال انسان کے لیے فتنہ بھی بن رہا ہے دوسرا ایک بڑا کرو کسی انسان کے دل میں کسی کی محبت کے اتر جانے کا جب جانے کا یہ ہوتا ہے جسے ہم اپنی زبان میں چوتلوں کو مارے کرتے ہیں کوئی شخص
अपने मैदान खुदाई को बहुत बड़ा माहिर होता है, तो उस मैदान के अजरदान लोग महारत की वजह से उसके ही अदाई हो जाते हैं। एक शख्स क्रिकेट का खिलाड़ी है, शौक में तो लोग क्रिकेट के बहुत बड़े खिलाड़ी होंगे, बड़ी दुनिया में उनकी शोहरत होगी, बड़े कारनामे होंगे। वो इतनी तौर पर उस शख्स की मोहब्बत उनके दिल में होगी और वो बिल्कुल जाने अनजाने उसके चलने की अदाकार नकल करें, उसके कपड़ों की नकल उतारे, उसके उठने बैठने की फील्डिंग की बैटिंग की बॉलिंग उसके एक्शन की नकल उतारे, ये मोहब्बत के करीब इंसान मजबूर है उसको बताता हूँ। मोहब्बत को उसके हजूर सिखाने पड़ते हैं मेरा जवाब, लेकिन इस हकीकत को भी याद दिलाना चाहता कि हमारी फितरत में अल्लाह ने क्या रखा है, तो मोहब्बत का एक दूसरा बड़ा सबक हुस्न जमाल के बाद है सबक को गमान। किसी को इल्म हदीस का शौक है तो वो इल्म हदीस के जो बाहमान उलमा और इल्मा गुजरे उनकी शदीद मोहब्बत उसके दिल में नहीं है। एक खिलाड़ी की मोहब्बत हो सकती है खेल में उसकी महारत की वजह से, वो हदीस और फिकह में किसी भी महारत की वजह से उसकी शदीद मोहब्बत दिल में क्यों है। तीसरी वजह मोहब्बत की जो होती है वो एहसान होती है, किसी पर बहुत एहसान कर दे उसकी मुश्किल वक्त में उसके काम आ जाए, घर में आग लग गई थी, बाप घर में नहीं था, मोहल्ले का कोई बड़ा आदमी दौड़ कर घर में कूदा, घर के बच्चों को बाहर निकाला, मजबूरात को बचाया, अब ये किसके बच्चे को पड़ोसी ने बचाया है, वो बाप कभी अपने पड़ोसी के इंसान को भूलेगा नहीं। जब कभी उस बाप को उम्र अभित के लिए हरम शरीफ नागरी की शहादत मिलेगी और उसे उलमा ये बता चुके होंगे पहली हाजिरी के मौके पर जाने पर जो पहली नजर पड़ेगी उस वक्त जो दुआ मांगोगे वो कबूल होगी। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये इंसान जब काटे सामने निगाहों को नीचा किए हुए जज्बात को काबू में रखने की नाकाम कोशिश करते हुए जाके बोला होगा, और उस वक्त ये जहाँ अपनी मसरूत की और हाजिरी की कबूलियत की दुआ मांग रहा होगा वहां के लाजमी तौर पर अपने उस मौजूद पड़ोसी को दुआ में कभी नहीं भूलेगा जिसने नाक में टूट कर अपने उसके बच्चे को बचाए। ये मोहब्बत जिसकी वजह से उसे इस वक्त वो याद रह गया, ये मोहब्बत न हुस्न जमाल की वजह न फजल कमाल की वजह बल्कि ये मोहब्बत के इस्लाम की, कोई मुश्किल वक्त में आपके काम आ जाए, आपके घर वालों के काम आ जाए, आप एक्सीडेंट का शिकार हो गया और कोई दौड़ा आपको लेकर अस्पताल फौरन आपका इलाज हो गया और डॉक्टर ने कहा अगर आधा घंटा लेट हो जाती है तो ये बंद किस कभी आप भूले तो उसके एहसान उस एहसान की वजह से आपके दिल में उनकी शदीद मोहब्बत होगी, चाहे उसका मसलक कुछ और हो, उसकी बिरादरी कुछ और हो, उसका खानदान क्या मजहब कुछ हो,
और चौथी चीज एक और होती है महमूद के किस्मत। आपको मोहब्बत है किसी शख्स से, किसी भी वजह से, उसका जमाल की वजह से, फजलो कमाल की वजह से, एहसान की वजह से, और उस महबूब तो मोहब्बत किसी और से भी है, कोई और है जो उसको पसंद है, जिसके दिल में, जिसके लिए उसके दिल में शरीर मोहब्बत के जज्बात है, तो आपको भी उससे मोहब्बत होगी, इसलिए कि वो आपके महबूब का महबूब। ये चार विषय होते हैं, चार अस्बाब, बहुत ही अहम तरीके मतलब है राष्ट्र को बदल कर दूसरे। अब ईमानदारी से कोई सोचे, चारों अस्बाब के की वजह से सबसे ज्यादा हमारी मोहब्बत किससे होनी चाहिए, सबसे ज्यादा हमारी दिली मोहब्बत, हमारा कल्पी जुनूनी इश्क और बालिमान मोहब्बत सिर्फ एक बात तो होनी चाहिए, उसके साथ किसी को शरीक नहीं होना चाहिए, उस दर्जे की मोहब्बत में। और उस दात बाला पर दात का नाम है सैयदना मोहम्मद रसूल, हमारे माँ बाप, हमारा खानदान, हमारा जान और माल और इज्जत, हमारा पूरा वजूद अल्लाह के रसूल के कदमों पर कुर्बान। दूसरा जमान पूरी दुनिया में, पूरी इंसानियत में इतना हसीन इंसान कभी पैदा नहीं हुआ कि कभी पैदा होगा जैसा हुस्न सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद रसूल अल्लाह अंत के शब्द से पकड़िया नहीं वो एक जावस कर गई वहां ना फिर अदू को मकान कहा जाता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम इनका हुस्न और जमाल मशहूर है और उसने वो कराया इश्क कर दिया था, वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क के सामने मान या हुस्न के सामने मान आयशा रजी अल्लाह अन्हा नौजवान लड़की खास तरबियत रखने वाली खातून उम्र के उस मंदिर में जिस उम्र में मोहब्बत के जज्बात समंदर की तरह ठाठे मार रहे होंगे उसको पुकार कर गिर नहीं ये चौदहवीं रात के चांद में चांद की रातों में मैं देखा करती थी चौथी रात के चांद को थोड़े आसमान में और पलट कर देखती थी अपने महबूब ना खुदा मोहम्मद रसूलुल्लाह के चेहरे को, और फिर मैं अपने आप से पूछती थी आयशा बताओ चांद ज्यादा हसीन है या रसूलुल्लाह, तो वो कहती थी कि मैं कसम खा के जवाब देती थी तुम्हें सवाल था ये चांद के सामने मेरे महबूब का हुस्न हजारों गुना बढ़ा है, आपको अल्लाह ने ऐसा हुस्न दिया ऐसा खूबियत था आपका जैसे अल्लाह ने अपने हाथों के आंखें बनाई, आपका कद, आपका टूनिया, आपके हाई को, आपका चलने फिरने बोलने मुस्कुराने का अंदाज इतनी तफसीली लोगों ने अल्लाह के रसूल की मदद कशी की है कि कोई लाइव कैमरा भी उस तरह अल्लाह के रसूल के नक्श व निगाह को उजागर नहीं कर सकता जिस तरह सहाबा किराम ने
सबसे ज्यादा बारीकी के साथ रहमत द्वारों को अल्लाह हम इंसान के जिस्मानी हुस्न जमाल को जिस शख्स ने लफ्जों का जामा पहनाया वो शख्स ने जिन्हें अली के ऊपर दिल पा लो सिर्फ मियादी के मगर पहली दफा करो किसी शख्स को कामयाबी नहीं मिली अल्लाह के रसूल की जिस्मानी हुस्न जमाल को गैर कर अरबी अदब का शाहकार है वो पूरी इबादत वो जुमले होंगे अली ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्मानी खूबसूरती को बयान करने की करने के लिए बोला इन हुस्न जमाल के बाद दूसरे रिश्ता फजल और कमाल पर कोई शख्स अगर 10 साल तक बयान करता रहे मोहम्मद के फजल और कमाल को तो आखिर पे यही कहेगा कि मैं कुछ भी कह नहीं पाया अकल के लिहाज से इल्म के लिहाज से अदल के लिहाज से इंसाफ के लिहाज से अखलाक के लिहाज से मामला के लिहाज से معاشرت کے لحاظ سے قلبی احتیاط کے لحاظ سے جذبات کے لحاظ سے بچوں کے ساتھ شفقت بھرے برتاؤ کے لحاظ سے غصے پر قابو کے لحاظ سے سخاوت اور ہمدرد کون سا فضل و کمال ہے یہ وہیں پر پہنچ کے مکمل نہیں ہو جاتا اور وہیں سے نکلتا نہیں القاسم واللہ المعطی حد اعتماد علم کے لیے ہاتھ عقل کے لیے ہاتھ عدل کے لیے ہاتھ عبادات اخلاق معاشرت معاملات ہر معاملے میں جو فضل و کمال آپ کو حاصل تھا سارے انبیاء علیہ السلام کا فضل و کمال اگر اکٹھا کر دیا جائے تو جہاں اس سارے فضل و کمال کی انتہا ہوگی وہاں سے میرے آقا محمد رسول اللہ سے فضل و کمال کی ابتدا کرتے تھے اس نے یوں کو دم عیسیٰ ید بیضا کہا گیا اس نے یوں کو دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ روبا محمد تو دنمان بن یوسف کا حسن عیسیٰ علیہ السلام کی روحانیت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سب اے رسول اللہ آپ کے پاس ہیں یہ حسین لوگ آنچ روبا حمد آلے یہ سارے انبیاء علیہ السلام کے پاس جو جو فضل و کمال کی چیزیں تھیں وہ تنہا داری یہ سب کے پاس الگ الگ جو چیزیں تھیں وہ سارے کمالات اے محبوب رسول محبوب خدا محمد رسول اللہ آپ کے یہاں جمع چوتھی چیز نسبت اللہ رب العالمین کی جو نگاہ کرم خصوصی نظر محمد رسول اللہ پر تھی اللہ کو جو محبت اپنے لابے محبوب سے شروع وہ بھی کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی لہذا محبوب سے نسبت کے لحاظ سے اللہ کو چونکہ سب سے زیادہ پسند تھے رسول اللہ اس لیے ہر بندے کو بھی سب سے زیادہ محبت رسول اللہ سے یہ 4 اسباب ہیں کتنے نادان ہیں آج دنیا کے اکثر لوگ اور ہم میں بھی اکثر لوگ ان میں شامل ہیں کہ جو ایمان تو رکھتے ہیں رسول اللہ سے لیکن وہ محبت کے تعلق اللہ کے رسول کے روشن سے اکثر کرنے کس سے محبت کر رہے ہیں وہ نوجوانوں کس کو اپنی آنکھوں سے بسا رہے ہیں کسی تصویریں دیکھتے رہتے ہو کس کو یاد کرتے گانے گاتے ہو شہر پہ ہونے کے کس کی یاد میں تمہارا دل تڑپتا ہے اور آنکھوں سے آنکھوں بہتے ہیں کون ہے جس سے ملنے کے لیے تم بے چین رہتے ہو
क्या है लेकिन कितना आगे बढ़कर मोहब्बतों का मुस्तहिक कोई नहीं। ऐसा फरामोशी की इससे बदतरी मिसाल नहीं हो सकती कि रसूलुल्लाह ने तो सब कुछ हमारे लिए कुर्बान कर दिया, एक रात नींद पूरी नहीं किया आपने मेरी और तुम्हारी खातिर, एक बार भी एक बच्चे खाना नहीं खाया पूरी जिंदगी आपने मेरी और आपकी खातिर। हमारी मोहब्बतें कभी किसी खिलाड़ी से हो जाए, कभी किसी फिल्मी अदाकार से हो जाए, किसी नाचने गाने वाले नाचने गाने वाली से हो जाए, जो उसके किसी फॉलोअर से हो जाए, हम अपने अपनी मोहब्बतों को जितना सस्ता करें, हम इतने जरीब और कभी लोग हैं जब हम जुबान हाल के ऐलान कर रहे हैं कि मोहब्बतों के हकीकी मरकज से मोहब्बत करना हमारे पास में नहीं है, हम तो नारियों में टहलने वाले हीरो के पीछे पड़े हुए हैं, हम तो इनसे मोहब्बत कर रहे हैं, हम तो इनके बारे में सोचते हैं, हमारे दिमाग में इनके ख्याल, हमारी नींद में इनके ख्वाब, हमारे जबान पर इनके ही याद थे शेर शायरी आपस में एक दूसरे की दोस्ती पर जान जुटाने को तैयार, वो दोस्त जो बेवफा, वो दोस्त जो वक्त पर धोखा देने वाला, वो दोस्त जो खुद खुदगर, वो दोस्त जो आपकी गिरफ्तारी के वक्त में आप कतराती और आपकी खाली पीने के मौके पर आपको किस्मत के हवाले कर देने वाला, यहाँ हमारी मोहब्बत में क्यों नहीं? तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। अरे नौजवानों अपने साथ का इंसाफ करो, तुम किससे मोहब्बत कर रहे हो, तुम किसकी मोहब्बत के गीत गाते रहते हो, किसकी मोहब्बत में आहें भरते रहते हो, ठंडी ठंडी सांसें लेते रहते हो, मोहब्बत के हकदार वहदहू ला शरीक हकदार मोहम्मद रसूलुल्लाह। इन अखलाक थे आपसे कैसी शराफत, कैसी ख्याल, कैसी तवाज़ो, कैसी इंसान दोस्ती, कैसी गरीब नवाजी, कैसी सखावत, कैसी हमदर्दी, बच्चों से कैसा प्यार, लोगों से मुस्कुरा कर बात करते थे, अल्लाह के सामने खड़े होकर अपने आंसू के बर्तन खोल लिए थे, बच्चों की कहानी बच्चों बिगड़े थे, दिन में मुस्कुराते थे रात में रोते थे, कुरान के साथ तोहफा उन्होंने पेश किया, अल्लाह अकबर, मुझे तुमको कोई घड़ी दे दी तो जिंदगी भर थैंक यू कहते रहते हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या तोहफा दिया, कलमा सिखाया, ईमान सिखाया, हिदायत दी, इल्म सिखाया, कुरान सिखाया, आखिरत का पता बताया, जन्नत दौलत की हकीकत खोली, ये दुनिया फानी है, थोड़े दिन के लिए यहाँ आए हैं, असल मंजिल आखिरत है, ये सब कुछ बताया, उन्हें बता के हमें कुछ खबर करो, हमें से बहुत लोग के बाप दादा गाय और उसका गोबर को पूजा किया करते थे, हमें अंधेरों से निकाल कर रोशनी में लाए, अल्लाह आपके रूपे बुलंद करे और हमें आपकी मदद पहचानने की तौफीक दे गए रसूलुल्लाह। मुजरिम है मुजरिम, शर्मिंदा होने चाहे थे, हम बहुत शर्मिंदा होने चाहिए, और उस मोहब्बत के कम होने की वजह से इतने नुकसान थे, अगर मैं पूरे साल में हर जुम्मे में इसी मौजूद पर बात करें, अगर मैं बहुत छोटा तालिब इल्म हूँ सिर्फ इसी मौजूद पर बात करूँ कि उनकी मोहब्बत के कम हो चुके नुकसान क्या हो रहे हैं, तो मैं पूरे साल के हर जुम्मे में भी उस मजलूम का मन सोच भी बहस नहीं करूँगा क्या हो रहा है, इतना शरीर नुकसान पहुंच रहा है, जिंदगी इंतजार में छिपा मियां बीवी एक दूसरे से दूर,
जिस्मानी तौर पर करीब और गहरी और रूहानी तौर पर दूर। बाप बेटे में दीवार भाई है, बेटा दोस्तों से ज्यादा मोहब्बत करता है कि मां से मोहब्बत की। वो मां जिसने इतनी तकलीफ के साथ इसको जन्म दिया, पेट में रखा, इतनी तकलीफ के साथ इसको पाला, मां ने अपनी जिंदगी इसके ताबे कर दी। जब बच्चा समझता तब मां थोड़ी देर सोने, उस मां को आज घर के अक्सर नौजवान मोहब्बत की लायक तब समझ रहे हैं। तो हल्ले मुझे दोस्त है, कॉलेज में तो दोस्त है, मदरसे में तो दोस्त है, वो इस लायक है दोस्तों को शक्कर जाए मां के कोई दूसरे को नहीं। पूरी जिंदगी की तरती काबिल इस्लाह है। हर शख्स को इन इशारों की रोशनी में अपने ऊपर देखने चाहिए कि इसमें से केवल सी बातें मेरे ऊपर भी डाली, तो हम कौन सी गलती मुझसे हो रही है। मैं अपनी माँ से उतनी शदीद मोहब्बत करता हूँ, खाली माँ का कहना मानना काफी नहीं है, माँ से शदीद मोहब्बत होनी चाहिए, माँ से इश्क होना चाहिए, माँ से प्यार होना चाहिए, माँ की खिदमत होनी चाहिए, माँ को बात बात में हंसाने की कोशिश करनी चाहिए, उसके वक्त का दिल के बोझ को हल्का करने की कोशिश होनी चाहिए। बाहर दोस्तों के पास बैठने के बजाय माँ के पास बैठना चाहिए, वालिद के पास बैठना चाहिए, खाला और फूफी और चची और मामी के पास बैठना चाहिए। ये वो हस्तियां हैं। अब पुख्ता कारण को जदीद दौर में नौजवान नस्ल अपनी बुजुर्ग नस्ल की बिल्कुल इज्जत नहीं करती, मोहब्बत तो दूर की बात है, एक जुमला सुनना बर्दाश्त नहीं करती, एक नसीहत बर्दाश्त नहीं करती। यह नौजवान नस्ल बर्बादी के सिवा दुनिया और आश्रम दोनों जगह इसका मुकद्दर कुछ और बनी, ये कहना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। अल्लाह तआला इस बात को समझने की तौफीक दे, ये चार अस्बाब होते हैं जिसकी वजह से किसी की शदीद मोहब्बत हमारे दिल में होती है, और कोई शक नहीं इसमें, शक की अदना करने की गुंजाइश नहीं। ये चारों रिश्तों से सबसे ज्यादा मोहब्बत के मसला है सिर्फ एक रिश्ते, मोहम्मद लोगों से। जुमे के दिन मुहबत का सिर्फ एक दुरुस्त प्रोग्राम है, जुमे के दिन मुहबत ज्यादा याद करना चाहिए, जुमे के दिन हसीब की नमाज के बाद कंधाई में बैठ कर देख कर उन पर जरूर सलाम भेजना चाहिए, बार बार अल्लाह के सामने दरख्वास्त करनी चाहिए कि अल्लाह हमें भी मदीने बुलाए, हमें भी मदीने पहुंचाए, हम भी एक बार जरा देखें उस मुकद्दस जगह को, उस मस्जिद को, उन बुजुर्गानों को, उन दरवाजों को, उन गलियों सड़कों को, उन रास्तों को जहाँ आपके महबूब से इतना अर्सा गुजारा। एक तमन्ना है जज्बा मदीने से ताल्लुक, अल्लाह के रसूल की जात से ताल्लुक, अहले बैत से ताल्लुक, उनकी यादों से ताल्लुक, उनकी जीवन के वाकयात से ताल्लुक। अगर ये नहीं है तो हमें मान लेना चाहिए कि हम बेवफा उम्मती हैं, हम नाकबले उम्मती हैं, हमने मोहसिन आजम की एक बात फरामोशी का रास्ता छोड़ दिया, हमने चुना है ये लगा हम दुनिया भर के हबीब लोगों से प्यार करते करते जो प्यार का मुस्तहिक था उसको बिल्कुल भुला दें, उसको तो ऊपरी दिल से उसकी कुछ बातें मान देंगे। याद रखना ऊपरी दिल से किए जाने वाले आमाल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं, अल्लाह के यहाँ सिर्फ वो अमल काबिल कबूल हो जो होता है जो मोहब्बत के जज्बे से, मोहब्बत के जज्बे के बगैर कोई हुक्म मान लेना इस ये कानूनी रिश्ता तो जुड़ जाएगा लेकिन मोहब्बत का रिश्ता नहीं जुड़ेगा। और मैंने हदीस पढ़ाई शुरू में
अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब तक कायनात में हर एक से ज्यादा तुमको मुझसे मोहब्बत नहीं होगी तुम ईमान वाले नहीं मान। क्या बड़ी बात अल्लाह ने फरमाया حتى اكون احب اليه من نفسه उसकी जान से ज्यादा उसको मुझसे मोहब्बत होनी है, अपनी जान से ज्यादा मैं प्यारा मान लिया, अपने माँ बाप और अपनी औलादों से ज्यादा उसको मुझसे मोहब्बत होनी है। अल्लाह ताला इस पहलू की तरफ तवज्जो बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। सीरत की किताबों का मुताला, सीरत का मुजाकरा, अल्लाह के रसूल से बंदा हजरत की चढ़ाइयों में डाल। क्यों ऐसा नहीं होता कि हम जब रात में लेटे जब इंसान रात में लेटता है तो अपने महबूब को याद करो। ये इंसान की फितरत है, वो दोस्तों को याद करेगा, पता नहीं किस किस को याद करेगा। खुश नसीब है मन लोग तो जैसे ही फुर्सत पाते हैं उनकी यादों का रुख मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ हो जाता है और उनके सामने उनकी नम आंखों के सामने रसूलुल्लाह का मुस्कुराता चेहरा और वो उसी तसव्वुर में डूब कर नींद की वादी में चले जाते हैं। ऐसे ही लोगों को कभी न कभी अल्लाह के रसूल की ज़ियारत नसीब हो जाती है। अल्लाह हमें इस नसीब बंदों में शामिल फरमा दे। वो आखिर